जय श्री माता जी। आज के ध्यान सत्र में उपस्थित सभी भाई बहनों का हृदयपूर्वक स्वागत है। ध्यान सत्र की शुरुआत सामूहिक बंधन से करेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करते हैं। अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर करेंगे।
परम पूज्य श्री माथ जी कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए, हमें पूर्ण निर्विचारिता प्रदान कर दीजिए माँ, हमारे सहस्त्रार को पूरी तरह से खोल दीजिए। कुछ क्षण इसी ध्यान की अवस्था में बने रहेंगे। इसी ध्यान की अवस्था में हम श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरा देखने वाला कहे कि कोई संत खड़ा हुआ है, आप लोग सब संत हो गए। थोड़े अतकच्चे भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सब पक्के संत हो गए, अतकच्चे तो सही पर हो तो गए आप संत। आप असंतों के जैसे तो घूम नहीं सकते। अगर आपका अब बर्ताव इस तरह से रहे कि जो एक संत नहीं करता, तो ये तो बहुत बड़ी अपनी हानि है। क्योंकि एक तो पहले आपको संत होना नहीं चाहिए था। नहीं होते तो लोग कहते चलो ये उचक्के ही हैं, चोर हैं, चलो इन पे तो ऐसे ही हैं, घुमा करते हैं ऐसे 2500 गलियों में, ऐसे बहुत से देखे गए। लेकिन आप संत तो उसकी एक अपनी हस्ती है जो कि माननीय होनी चाहिए, जिसको लोग माने। लेकिन माने कैसे अगर वो माननीय नहीं है? तो प्यार जब तक असलियत पे नहीं आता, जब तक असली प्यार नहीं होता है, तब तक झूठे प्यार से हम अपना उत्थान नहीं कर सकते। अब अगर हम अपना प्यार इस तरह से तौलें कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने ज़मीनें खरीद ली, मकाने बना लिए, बाल बच्चे हमारे पड़ गए, सब कुछ हो गया, अब हमने अपने लिए क्या किया? स्वार्थ, स्व का अर्थ हमने लगा लिया क्या? अपने लिए हमने कौन सी सेवा की? माँ की सेवा तो बाद में होगी, पहले अपनी करो बेटे।
अपनी सेवा में क्या प्राप्त होने का है, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सोच लेना चाहिए। हमें क्या पाने का है, हमें पूर्णतया परमात्मा के साम्राज्य में अधिकार से बैठना है, उस अधिकार को हमें प्राप्त करना है। उसके लिए हमने कौन सी गतिविधियां की, कौन सी व्यवस्था की है अपने जीवन के साथ, कौन से तौर तरीके अपनाए हैं, ये सोचना चाहिए। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है, तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है, जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। घर समझ लीजिए, एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज़ हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में शांति प्रस्थापित हो गई है वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नज़र नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना आए कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूँ, उससे अलग चीज़ है, तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहयोग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जब तक हम अपने से ही प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों से क्या प्यार करें। लेकिन प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि अपने से प्यार करने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रुपए पैसे इकट्ठे हो जाएं, या हमारे पास 10-12 मोटरी गाड़ी हो जाएं और हम बड़े आराम से घूमते फिरते रहें। ये जो लोग पा भी लेते हैं वो भी आप जानते हैं, माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ इसका कुछ इलाज करें, हम तो भर पाए, वो भी सुखी नहीं। जरा दरवाजा बंद कर लीजिए आवाज। अब जो अपने से प्यार करता है वो सब चीज से देखता है कि ये शरीर जो परमात्मा का है, जो उसका मंदिर है, उसे किस तरह से सुंदर स्वच्छ रखा जाए। इस मामले में भी बड़ी गलत धारणाएं संसार में हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न ज़माने में बहुत सी बातें निकल आई कि साहब हर एक आदमी को दुबला होना चाहिए, अब उसके लिए चाहे आपको टीबी हो जाए तो भी आप दुबले हो जाए, आप मच्छरों जैसे जब तक नहीं होइएगा तब तक आप खूबसूरत नहीं होते, और ऐसी खूबसूरती लेके करने का क्या है।
जिस शरीर का आकर्षण मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है, ऐसा शरीर बिल्कुल व्यर्थ। शरीर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंग प्रत्यंग से चैतन्य बहे। जिस शरीर का अंग प्रत्यंग जितना भी बना हुआ है वो ऐसा हो कि जिससे सबका शुभ हो। ऐसा वो शरीर हो कि जो जहाँ एक बार छू जाए वो चीज़ प्लावित हो जाए और उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाए। ये शरीर का सौंदर्य जो है यही दैवी सौंदर्य है, और बाह्य के सौंदर्य की ओर दौड़ना और इस तरह की धारणाओं के ऊपर चलना, कभी तो कहते मोटे हो जाओ, कभी कहते दुबले हो जाओ। मोटे और दुबले होना या और तरह से अपने शरीर को चमकाना, इसकी कोई भी सहयोग में खास ज़रूरत होती नहीं। के लोग बहुत सारे ये सोचते हैं कि 10 बार नहाने से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। कोई लोग ये सोचते हैं कि बदन पे हर तरह के लेपन लगाने से शरीर अच्छा होता है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, स्वयं आपके अंदर ये सब चीज़ें कार्यान्वित हैं। ध्यान ये देना चाहिए क्या हमारे शरीर की यष्टि ऐसी है कि इसके अंग प्रत्यंग से पवित्रता बहती है। हमारी ओर देखकर लोगों को क्या पवित्रता की भावना आती है कि अपवित्रता की। इसीलिए बहुत बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो परंपरागत हमारे अंदर कपड़े आदि का व्यवहार बताया गया है उसे आप इस्तेमाल करें। ये हजारों वर्ष की तपस्या से पाया हुआ एक बड़ा भारी धरोहर हमारे पास है, हेरिटेज है, और उसकी परंपरागत जो चीज़ें हैं उनको संभालने का प्रयत्न। परंपरागत जो कलाएं हैं, परंपरागत जो आभूषण आदि हैं, उसके जो वस्त्र आदि हैं, ये हजारों वर्षों से हमारे देश में परख के पाए हुए हैं, उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने अभिभूत हैं पाश्चिमात्य देशों से कि हम अपनी जो कुछ भी संस्कृति है, संकृति जो पवित्र बनी हुई कृतियां हैं, उसको भूल करके बाहर की चीज़ों को अपना लेते, और इसी से हमारे अंदर जो चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे हम आत्मा कहते हैं उस पे आवरण पड़ जाता है। अपने देश की हजारों वस्तुएं ऐसी हैं जो आत्मा को सजाती हैं, दबाती नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि बाह्य की ओर जल्दी जाती है। उसकी भी वजह है, मनुष्य होने के नाते दृष्टि बाहर जाती ही है। एक बार आपसे समझाया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब हम अपनी ओर दृष्टि ले जाना चाहते हैं तो मन ही मन उसकाते हैं और सोचते हैं कि कितना सुंदर है अंदर, कितना पवित्र है अंदर, कितना आनंदमय है। इसको छोड़ करके हम और क्यों भटक रहे हैं? लेकिन क्योंकि वो प्रांगण हमने अभी तक पाया नहीं, उसको जाना नहीं, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम अपने को इतना प्यार नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों को प्यार करते हैं जो हमारी आत्मा को धूसर करते, हमें दिखाई न दे। बहुत सी बातें इस तरह की हमारे जीवन में हैं। अब जैसे पाश्चिमात्य लोगों की बातें हैं, अब तो हम रह चुके हैं वहाँ, हम देखते हैं कि इतना बिला वजह वो लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अधोगति में जा रहे हैं, कि इन लोगों के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल काम, वो समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इनके अंदर कोई जड़ें ही नहीं।
जो आए जो जिधर चाहे बहका दे, इधर बहका दे तो इधर बह गए, उधर बहका दे तो उधर बह गए, लेकिन आपकी जड़ें हैं और आप ही लोग उनका उद्धार कर सकते हैं। वो लोग अपना स्वयं उद्धार नहीं कर सकते, उनकी मदद आपको करनी कि अपनी जड़ों को पहचाने। और ये जड़ का जो ज्ञान है, जो सहयोग में निहित है, सहयोग में छिपा हुआ जो ज्ञान है, वो इस जड़ का ये आप लोग जानिए। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि शरीर के साथ आपका ज्ञान भी प्रगल्भ होना चाहिए, वो भी एक संतों जैसा होना चाहिए। पहले संत लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पढ़ते नहीं थे, बहुतों को शायद लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, ऐसे भी संत साधु हो गए हो। लेकिन संतों के लक्षण सारे उनमें थे। सबसे बड़ा कि आलो सगुणाशी, मैं तो निर्गुण देखने आया था, निराकार देखने आया था, तुम तो सगुण खड़े हुए। ये तो सिर्फ सहयोगी समझ सकते हैं भाषा को, लेकिन क्या हम लोग ऐसा एक दूसरों से कहते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि जो निराकार है वो सगुण आप लोगों में बैठा हुआ है, वो साकार होकर के आपके अंदर जागरूक है? क्या ये भावना हमें एक दूसरे के प्रति है, ये श्रद्धा और ये आदर हम लोगों को एक दूसरों के प्रति है? जो एक दर्जी को कुम्हार के प्रति था वो है, इसमें आप किसी भी पोजीशन के हो, बड़े हो छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक के पास जब नामदेव गए तो उसका उनका बड़ा स्वागत हुआ और उनसे कहा गया कि आप अब कुछ पंजाबी में कविताएं लिखिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि नामदेव की किताब इतनी बड़ी है, उसमें से आधी जो है उसमें हिंदी और पंजाबी में कविताएं, और इतने सहूलियत से उन्होंने पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखा है। मराठी भाषा और हिंदी भाषा का तो मेल है ही, लेकिन पंजाबी का इतना मेल नहीं बैठता। मैं भी पंजाबी भाषा जानती हूँ और आश्चर्य की बात है कि इतना सुगम और इतना सुंदर लिखा है सारा कुछ कि पढ़ते ही बनता है। पर उनका कितना आदर श्री नानक साहब ने किया कि ग्रंथ साहब में तक उनके सखूबाई जो कि बर्तन मारने वाली घर की औरत थी उसका तक ग्रंथ साहब में उदाहरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि संतों की जो मान्यता है वो संत ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। अवलिया निज़ामुद्दीन हो गए, आप जानते हैं कि उस वक़्त के सुल्तान ने कहा कि कल तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे तो तुम्हारी गर्दन कटा दूंगा मैं कल, और दूसरे दिन उनकी गर्दन कट गई। संतों को पहचानने वाले संत ही होते। तो पहले अपना संतपना जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो आप संत को पहचानिएगा कैसे? अगर आपके अंदर वाइब्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, अगर आप निर्विचार ही नहीं हो रहे हैं, जब आपके अंदर सहयोग का कुछ कमल ही नहीं खिला हुआ, आपका हृदय ही जब बंद है, तो आप संतों का मान कैसे करेंगे और आपका भी मान कौन करेगा? सीधा हिसाब। तो संतों का मान जब शुरू होता है तब मनुष्य ये भी सोचता है कि उस मान्यता पे हम आए, और उस मान्यता को पाने के लिए हमें नम्रता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। यहाँ बातों के और लेक्चरों से तो काम होने नहीं वाला, हम सहयोगी सहयोगी करके भी नहीं होने वाला, सर्टिफिकेट लगाने से भी नहीं होने वाला। आप कितनी भी डोनेशन दें नहीं दें, कुछ करें, उससे नहीं होने वाला। इसमें जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक यही लोग कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं ये भी एक है खड़े हुए, ऐसे बहुत देखिए। सो फलद्रुप होना चाहिए, इसमें फल लगने चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले इस प्यार का वरण करना चाहिए, जिस प्यार में
मनुष्य के पास सत्य का दर्शन होता है, इतना ही नहीं पर उसमें शून्यता आती है, विस्डम आती है, इस प्यार में विस्डम आती है। और उस प्यार के साथ, उस मोहकता के साथ, उस मृदुता के साथ धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा सुंदर बढ़ने लग जाता है। इसको संवारना चाहिए, इसको प्यार से संवारना चाहिए, मान देकर संवारना चाहिए, अपना मान रख के संवारना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको सजाना चाहिए इस तरह से कि लोग देखें और कहें कि वाह रे वाह, कितने संत इस माँ ने बना दिए। पहले तो एक ही दो दिखाई देते थे, और फिर देखिए कि उस ज़माने में बेचारे एक कहीं तो नामदेव, एक कहीं तो नानक साहब, एक कहीं तो कबीर, एक कहीं तो वो बेचारे गोरा कुंभार, तो दूसरे ज़माने में हुए तो दो चार और हो गए, उनकी कोई जमात तो नहीं थी, उनका कोई विश्व निर्मल धर्म तो नहीं था जिसके बूते पे खड़े हो जाए। इतने संतों का समागम और इतनी सुंदर मंडली तो कभी नहीं बनी थी। लेकिन उसके जगह अगर कुरूपता दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि अभी हमने अपने को प्यार नहीं किया, और माँ तो हमको इतना प्यार करती है और हम अपने को नहीं प्यार करते। अपने को शुद्ध स्वच्छ बनाना, इससे बढ़कर और क्या अपनी मनुष्य सेवा कर सकते हैं? और जितना मनुष्य आपको देखेगा कि आप इतने ऊंचे हस्ती हैं, इतने शरीफ, असलियत में ज़बानी जमा खर्च में नहीं, तब वो समझेगा कि आप में एक नई जोत जग गई है, और वो भी चाहेगा कि हमें भी ये जोत मिल जाए। सहयोग का बढ़ने का एक ही तरीका मैं देखती हूँ कि आपको देखकर लोग कहें कि सहयोग विशेष है। मैं तो रियाद गई थी, वहाँ कह लाया वो आपके सहयोगी जो है वो तो अजीब आदमी है। मैंने कहा क्यों, वो तो अपनी माँ को इल्ट्रीट करते हैं और अपने को सहयोगी कहलाते हैं। तीसरे मिले वो कह लें वो क्या सहयोगी हैं, उन्होंने तो हमारी ये चीज़ मार ली, वो अपने को सहयोगी कहलाते हैं। चौथे मिले कह लें वो तो लड़ते ही रहते हैं आपस में, वो कहते हैं दोनों सहयोगी हैं मियाँ बीबी। तो पहले इसमें प्रेम का दर्शन होना चाहिए, आपस में प्रेम भाव, दोस्ती। लेकिन चालाकी करना सहयोग में मान्य नहीं। जो चालाक है वो महामूर्ख है मेरे विचार से, तो कि वो अपने ही को धोखा दे रहा है। किसको धोखा दे रहा भाई तू? वो तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो इसने जग को ठगा उसने अपने को ठग लिया, बेवकूफी है। तो अपने ही साथ चालाकी क्या करने की, अपने साथ तो कम से कम सच्चाई रखनी चाहिए कि भाई मुझे, मैं अपने को क्यों ठग रहा हूं, मैं अपनी सुंदरता को क्यों घटा रहा हूं। सो जो भी आपका अंदर है वो बाहर दिखाई देने लग जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सौम्य स्वरूप, आकर्षक, मोहक, इस तरह के एक विशेष रूप के योगी संत हो जाए। यही मैं दिल्ली वालों से विनती करती हूँ। दिल्ली में सहयोग में जो कुछ भी मैं देखती हूँ वो ये सोचती हूँ कि ये लोग अपने से प्यार नहीं करते। एक तो सरकारी यहाँ जो असर है कि सरकार से आगे भी एक बड़ी भारी सरकार बैठी हुई, और वो सरकार प्यार से चलती, विश्वास से, आनंद से चलती, उस सरकार में हमें खड़ा होना है। इस भावना को दृढ़ करना है और अपने प्रति पूर्ण विश्वास रखना है कि हम होंगे, यही करेंगे। जब तक आप लोग इस दशा में नहीं पहुंचेंगे, आप इस देश का भी कुछ कल्याण नहीं कर सकते।
अपने घर वालों का भी कोई कल्याण नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। अगर आप ही के पांव जमे नहीं है ज़मीन पर तो आप किसको बचा सकते हैं बताइए। आप खुद ही डावाडोल खड़े हुए हैं तो जिसके साथ दो चार और आ जाएंगे तो आप डूब जाइएगा। और यही होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि आसुरी विद्या आदमी जल्दी पकड़ता है और शुद्ध विद्या कठिनाई से पकड़ता है। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया, नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए आपको, आपको बनना चाहिए, हार को नहीं, आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूँ कि आप मुझे मानते हैं। कि दुनिया कहे कि हाँ भाई तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है, ऐसे हो नहीं सकता। जैसे हमारे पति यह सोचते थे शुरू से ही कि तुम तो हो अवलिया, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता, वो ये विश्वास पूर्ण उनको था, कभी हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर लो सर मार लो कभी नहीं हो सकता, और जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग बदल गए तो कह ले भाई अब मैं ऐसे बेईमानी नहीं हो सकती, बस आप तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तुमने कर दिया, कुछ किया नहीं, आपके अंदर जो हीरा था वही आपके सामने ला के रख दिया कि बेटे तुम ये हीरा हो, ये देख इस हीरे की चमक में तुम आ जाओ, और तो कुछ किया ही नहीं। और जब वो हीरा सामने आया तो लोग भी तो देख के हैरान हो जाते कि साहब ये क्या थे और आज क्या हो गए, पहले तो कंकड़ पत्थर के बराबर भी नहीं थे, आज हीरा बन के माँ के मुकुट में चमक रहे हैं। सारा वातावरण, सारी सृष्टि, पंच महाभूत सारे आपके चरणों में खड़े हुए हैं, मैं आपसे बता रही हूं। लेकिन आपको अपने से प्यार करना सीखना होगा। अब हमारे प्यार की बात ऐसी है कि हमने आपको हमारे शरीर में स्थान दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मेरा शरीर दुखता है। ये शरीर इतना अजीब है कि प्यार में इसने सबको अंदर ही समेट लिया। अभी एक बच्चा जो कि पार बच्चा है, लंदन में सीढ़ी पे से गिरा और उसको बुरी तरह की चोट आ गई और उसका ब्रेन बिल्कुल फट गया और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो अजीब तरह से खून से भर गया। और मेरी हालत ऐसी ख़राब गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन होगा जिसको इतनी तकलीफ़ हो गई हो। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया और इन्होंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा एक बच्चा गिरा वो और उसका ऐसा हुआ, उसी वक्त मेरी तकलीफ़ ठीक हो गई और बच्चा भी उधर ठीक हो गया, जिसकी कोई आशा नहीं थी बचने की। अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया, थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं, पर मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर दिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ न हो। और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए।
फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की ज़रूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए, जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से, अपने को एक उच्चृंखल फ्रिवलस लोगों जैसे या किसी ढोंगी हिपोक्रिट जैसे कोई सा भी कार्य नहीं होना। बहुत से लोग हैं वो बहुत बन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कुंडलिनी तो वहीं पे जमी हुई है। कुछ लोग हैं बक बकते रहते हैं। सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है, सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पड़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पड़ जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है? एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए, अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है ना, अभ्यास करना चीज क्या है। सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए, लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए, अपने वाइब्रेशंस जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियाँ हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता दी, सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना ध्यान लगा लिए बस हो गया? ऐसे थोड़ी, खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों, अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया, आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए, समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो हुए हैं वो पहले ज़माने में बड़े मनन करने वाले दृष्टा ऐसे होकर के सर्वसाधारण साधु के रूप में पैदा हुए थे, संतों के रूप में, कि सर्वजन समाज समुदाय से बातचीत कर सके। लेकिन हम तो सर्वसामान्य जन समुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी ज़रूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कह रहे कि माँ हमने तो हजारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको एक मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया, हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात।
तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला है और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है या प्रतिस अहंकार जिसे हम मन कहते हैं उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निधि जा करके सबसे शांतिपूर्वक रहे। अब जैसे कि मद्रास में हमने देखा कि दो आदमियों का सम्मेलन करके अगर लीडरशिप बनाई जाए तो काम चलती, क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग बहुत हैं, पंजाबी भाषा जानने वाले और अंग्रेज़ी जानने वाले हैं। और इस ख्याल से हमने सोचा है कि डॉक्टर तलवार और पहले से ही अपने पास में वेणुगोपालन जी हैं, इन दोनों को मिला करके दो पहिए की गाड़ी चला के देखें दिल्ली। हो सकता है बाद में चार पहिए की भी चलाने पड़ जाए, और नहीं तो बगैर पहिए की भी चल सकती। जिस दिन बगैर पहिए की चलेगी उस दिन असली गाड़ी बन गई, लेकिन फिलहाल इस तरह से चला। और अपनी मर्यादाओं में अपनी समझ में रहना चाहिए, जो मर्यादा से रहित है वो कार्य नहीं करता। हमको देखना चाहिए हम अपनी मर्यादा में है या नहीं। अब जैसे हमने एक कहा है कि औरतों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना नहीं चाहिए क्योंकि हम शक्ति हैं। समझ लीजिए ये पंखा है, ये चलता है शक्ति पर। अब अगर शक्ति पंखा होना चाहे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा बताइए? ठीक है औरतें औरतों का एडमिनिस्ट्रेशन करें, उसमें हर्ज नहीं, पर जब औरत अपना स्थान छोड़कर मर्यादा छोड़ देती है तो गड़बड़ हो जाता है, और जब आदमी अपनी मर्यादाएं छोड़ देता है तो गड़बड़ हो जाता है। अपनी अपनी जैसी प्रवृत्ति और अपना जैसा शरीर और जो निसर्ग ने बनाई हुई चीज़ है उसका अवमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप सर पर चढ़ जाएं। ये अपने देश की संस्कृति नहीं, अपने देश में स्त्री को तो यत्र नारिया पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता का, जहाँ स्त्री पूजी जाती है, जो घर की देवी है उसको मारने पीटने से वो क्या आपको आशीर्वाद देगी? उसको देवी स्वरूप पूजा जाएगा और उसको पूजनीय भी होना पड़ेगा। तो पंखे का काम शक्ति नहीं कर सकती और शक्ति का काम पंखा नहीं कर सकती। शक्ति को अपने जगह अपने इस गौरव में खड़ा होना चाहिए। आदमियों को ठीक है पंखा जैसे हिलता है ऐसे हिलने दीजिए, दौड़ने दीजिए, मेहनत करने दीजिए, आप लोग बस खर्चा करिए। ये जो कमाए उसको खर्चा करने में आपको कोई हर्ज नहीं। लेकिन औरतों के जो एक आजकल बीमारी चल पड़ी है कि आदमियों की बराबरी करना, साहब आप लोगों का दिमाग खराब है, इसलिए आराम से बैठिए। और दूसरा ये कि बराबरी भी जब करनी है तो ये जानना चाहिए कि हम स्त्री स्वरूप, स्त्री का काम है प्यार बढ़ाना, शांति बढ़ाना, सुख देना, आनंद देना। ये शक्तियाँ लेकर के अगर आप करना चाहें कोई सा भी काम, तो आपने अपनी जो हस्ती है, अपना जो व्यक्तित्व है उसको नहीं मिटाया, लेकिन उसका प्रकाश सारे समाज में फैलाया। और अगर हमारी जैसे आपके पास शक्तियाँ आ जाए तो फिर क्या कहने, फिर तो आप ऐसे ही बैठे बैठे सब कर लेंगे। माने ये कि अब हमको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं तो हम किसी से झगड़ा नहीं करते, ऐसा इंतज़ाम कर देते कि वो चीज़ होती ही नहीं अपने आप। तो या तो ऐसी शक्तियाँ आप लोग पा लीजिए, पर शुद्ध शक्ति में रहना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर आदमी बन जाए थोड़ी देर औरत बन जाए तो नहीं होगा। औरत की अपनी शक्ति में आप रहें, जैसे हमारे यहाँ सती की शक्ति मानी जाती है, तब फिर देखिए बैठे बिठाए आप सबको घुमा सकती हैं, उसके गौरव में खड़ा होना चाहिए।
हमारे यहाँ सती की शक्ति यति से भी ऊंची मानी जाती थी। श्री कृष्ण की भी मूर्ति जो थी वो भी एक सती से कम ही मानी जाती थी। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त उनको शाप हुआ कि आपकी मृत्यु, सारे यदुवंश की भी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सर आंखों पे वो शाप ले लिया क्योंकि एक सती से आया। मंदोदरी के एक कंकण के आगे श्री राम के बाण तक वापस आ जाते। ये स्त्री की शक्ति, जैसे धरा है पृथ्वी, ये स्त्री है, ये सारा संसार का पाप अपने अंदर समाने की शक्ति रखती है और उसके अंदर से सुंदर फल फूल आदि जो रुतंभरा प्रज्ञा है सारी इस पृथ्वी से। आप ये कभी नहीं कह सकते पृथ्वी में शक्ति नहीं, कितनी शक्तिशाली चीज है, और जब इसका विस्फोट होता है तो हजारों को ठिकाने लगा सकते। इसी तरह स्त्री की शक्ति भी एक धरा जैसी शांत गंभीर सबको उठाने वाली एक बड़ी भारी चीज है, सबका भार अपने ऊपर वहन करने वाली एक महान शक्ति यह है। और कुंडलिनी भी एक स्त्री शक्ति है, कुंडलिनी के सिवाय आपका उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए कोई स्त्री होने से नीची ऊंची कभी नहीं हो जाती है, किंतु उसका अपना एक स्वरूप है, आपका एक स्वरूप है। और दोनों चीज़ों का जो आदमी पूरी तरह से मान रखता है और समझ में मर्यादा में रहता है, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उच्च से उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। कहिए कि जैसे कि आप देखते हैं जीसस क्राइस्ट के लाइफ में उनकी शक्ति उनकी माँ थी, जो कि महालक्ष्मी शक्ति। महालक्ष्मी शक्ति कितनी ज़बरदस्त शक्ति है। लेकिन जब उनका लड़का क्रूस पे चढ़ाया गया उन्हीं के कहने से, तो जिस तरह से उन्होंने बर्दाश्त किया, पूरी शक्ति होते हुए भी आप अपने लड़के को इस तरह से क्रूस पर चढ़ने दे, क्योंकि एक नाटक पूरा करना था, ये महान शक्ति की बात। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो ठीक है, निर्बल का क्या, लेकिन जो इतनी बलवती शक्ति होने पर भी उन्होंने ये सारा नाटक पूरा होने दिया क्योंकि होने का था, ये महान शक्ति। इतिहास में शिवाजी की माँ का उदाहरण दिया जाता है कि एक लड़का जो शिवाजी, जिसको उन्होंने इतना पनपाया, इतना बड़ा किया, उसका इतना ऊंचे स्थान पे पहुंचाया, वो हर समय अपने लड़के को भी जिस तरह से शहीद बनाने पे तुली रहती। इस वक्त सिंहगढ़ को जीतना था, उनके पास एक चिट्ठी आई, वहाँ से कमल कुमारी नाम की लड़की थी, उसने एक चिट्ठी भेजी कि मेरे आप भाई हैं और मुझे बचाइए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाएगी। और उनके माँ के पास ये चिट्ठी आई, तो माँ ने शिवाजी को लिखा कि अगर आप खाना खा रहे हो तो हाथ धोने यहाँ चले आए। उनकी माँ तो तलवार लेके गई नहीं थी, वहाँ चले आए तो उन्होंने कहा कि कल तक ये किला आपको जीतना होगा, तैयार, कल तक इस किले को जीतना है आपको और वहाँ से अपनी बहन को छुड़ाना है। तो उस वक्त में वहाँ तानाजी आए थे, तानाजी ने कहा कि भाई तानाजी तो बहुत आ जाएंगे, शिवाजी नहीं आ सकते तो मैं जाता हूँ। और ऐसी ऐसी उस वक्त उन लोगों ने बातें की कि सुन के आश्चर्य लगता है कि सहज में ही स्पॉन्टेनियसली ऐसी वीरश्रीपूर्ण बातें हैं कि सुन के लगता है कि इस देश में ऐसे गौरवपूर्ण लोग हैं। लेकिन उनकी माँ उसके पीछे में थी, उनकी शक्ति उनकी माँ थी, शिवाजी की शक्ति उनकी माँ थी। और हर आदमी जो ऊंचा उठता है उसके पीछे में उसकी स्त्री शक्ति ही होती, उसमें जब तक स्त्री अपने को गौरव न मानेगी तो वो बिल्कुल विद्रूप हो जाती है। ये समझ हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है और जब इसका संतुलन आ जाएगा तब हमारा जो सहयोग का समाज है एक बड़ा आदर्श और ऊंचे किस्म का विशेष रूप धारण किए हो रहेगा कि जिससे सारा समाज ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, लेकिन सारा विश्व ही प्रकाशित हो जाए। बहुत बड़ा कार्य, इससे आप अपने को इस गौरव के योग्य बनाइए कि सारे दुनिया में ऐसा कार्य आज तक हुआ नहीं, किसी युग में ऐसा नहीं हुआ, इतना विशेष कार्य आप कर रहे हैं।
इतना महान कार्य में आप जुटे हुए हैं और इस महान कार्य को करने के लिए जो कुछ करना है वो भी महान है और उसके गौरव के लिए आप लोगों को पूरी तरह से सज्ज होना चाहिए। यह नहीं कि इसमें आफत है, कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ऐसे छुटपुट्टे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। एरिया गबाड़ा से कामनो है, उनका दिया, ऐसे रद्दी लोगों के लिए ये काम नहीं। रामदास स्वामी ने तो साफ कह दिया, त्याला पाहिजे जातीचे, इसके लिए चाहिए एक विशेष लोग। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो हमें नमस्कार और आपको भी नमस्कार। जब गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी तो लोगों ने कितना त्याग किया था। हमारी फैमिली में हम देखते हैं कि सब चीज़ जिन लोगों ने त्याग दी, फादर हमारे जेल में, मदर हमारे जेल में, इतने सारे बच्चे घर में, हम 7 साल की उम्र में चाबी लेके घूमते थे। लेकिन सहयोग के लिए कोई भी त्याग नहीं करने को तैयार। बुद्धि त्याग देते हैं पर और कुछ नहीं त्यागने को तैयार। त्याग माने क्या त्याग है, इसमें कौन सा त्याग है? सब तरह का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। इतने बड़े महान कार्य में तो वाकई में बहुत त्याग करने की जरूरत है, बहुत कुछ देने की जरूरत है, बहुत अनुदान चाहिए। पैसे का नहीं हो तो श्रम का चाहिए, मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, सब चीज़ का अनुदान होगा तभी यह कार्य हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा भी जो नहीं कर सकते वो क्या करेंगे बताइए? उसमें फिर झगड़ेबाजी भी चलती, ये सहयोग नहीं होगा फिर। ये तो कुछ एक अजीब तरह का दूसरा आंदोलन कर लीजिए, जैसे कि और लोग नहीं, कभी गांधी टोपी लगाई, कभी पीली टोपी लगाई, कभी नीली टोपी लगाई, चले झंडा लेकर के। ऐसे सहयोगी भी किस दिन झंडा लेके चलेंगे? ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं, संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए, यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम लोग ले लो, जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें, कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा, धीरे धीरे सब बता दिया है और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ हम रोज़ ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे, रोज़ हम ध्यान करेंगे, इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचें कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया। निःशब्द ध्यान की अवस्था में बैठते हैं कुछ समय।
जय श्री माता जी। अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री माँ के पावन चरणों में वंदन अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आज के ध्यान में आपने हम सबको आपका आशीर्वाद प्रदान किया, हमें परम चैतन्यित किया, इसके लिए हम सभी आपके हृदय से ऋणी हैं, आभारी हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सभी आपके इस प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए उचित माध्यम बन जाएं, सशक्त माध्यम बन जाएं, ऐसी कृपा कीजिए माँ। जय श्री माता जी। आज का ध्यान केंद्र यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री माता जी।